एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम को 4 बजे से, और पीछे आप देख सकते हैं मेरी ना बहन आई हुई है। और आज है 14 जनवरी, आज है मकर संक्रांति, आज ही है, वैसे तो कल मनाया जाएगा, कई लोग आज मना रहे हैं, तो आज भी विश कर दे रहे हैं हैप्पी संक्रांति। और क्या है आज? लोहड़ी। आज लोहड़ी भी है जो पंजाबी लोगों का होता है, वो हमारे यहाँ तो पता नहीं है, पंजाबी बहुत पर हम जाते नहीं है कभी। तो मेरी बहन आई हुई है, वो बैठी हुई है और बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो मुझे ना अपनी बहन से, उसको मैंने रोक के रखा, ये जा रही थी, मैंने इससे बोला मेरी रील एक दो शूट कर दे फिर जाना, क्योंकि शाम के 4 भी बज रहे हैं, तो काम वाम हमारा हो गया, खाना पीना सब हो चुका है। और वो बेचारी कैमरे में आना नहीं चाहती है, और ये मिनी आना चाहती है, और रिया नहीं आएगी। नहीं है, तेरे को दिखाऊंगी नहीं तो परेशान मत हो। तो ये आवाज, तो और ये है मेरी बहन, और हस्बैंड का ना कॉल आया है, तो शायद किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज अभी वो भी लंच करने आए थे, उन्होंने कर लिया है लंच, अब वो जा रहे हैं। और मेरी सिस्टर ने ना हेयर कट कराया है, अभी हेयर कट कराने गई थी, करा के आई, दिखा पीछे से वाले, इसने करा, अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, रुकना है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरी सिस्टर का हेयर कट, और उसको डुग्गू परेशान करे पड़ा। रिया खड़ी तो हो पहले शांति से, तब मैं दिखाऊंगी। ये है, और कौन सा स्टेप है? 3 स्टेप हेयर कट है इसका। और भैया 3 स्टेप हेयर कट के कितने पैसे लगे इसके? 350, 250 रुपए लगे भैया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हमको रील्स शूट करनी है। और मेरी बहन ना मेरी साड़ी पकड़ के बैठी है कि दीदी कितना टाइम लगाएगी, तो पहले हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। तुम रो क्यों रहे हो? गाड़ी में घुमाने के, ऐसे घुमा दो ना बिना सैंडल पहनाए। पापा को जान दो बेटा, हाँ ये ले, ये कार की चाबी रख दे, रख देना इसको, संभाल के रख देना जा। हाँ मैं ले लूंगी ना उससे, बाय। घुमा दो ना, यही थोड़ी सा घुमा दो, हो गया, ऐसे ले लो सैंडल बिना पहने, चाबी दे। उसके पापा जी जा रहे हैं, तो अब वो परेशान कर रहा है, जा रहे हो घूमी घूमी करने, जो चाबी मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। भाई साहब, ये हमारी टंकी का पानी गिरा हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं तैयार हो गई थी रील्स शूट करने के लिए, पर एक रील्स मैंने शूट कर ली थी, तब मुझे जाके पता चला था कि मैंने तो चूड़ियाँ ही नहीं पहनी थी सिर्फ, मैं क्योंकि डेली वेयर पे एक ही एक चूड़ी पहनती हूँ हाथों में, या एक बैंगल्स। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला, तो फिर मैं यहाँ पर बैठ के चूड़ियाँ चेंज करी थी, और डुग्गू मेरी बहन का मोबाइल चलाए पड़ा था, उसके पास और कोई काम ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो रील्स तो बन गई, पर मेरे हॉल की हालत आप देखो, इस लड़के ने कहा कि ये पूरे कारपेट की दुर्दशा, पूरे सोफे को बर्बाद करके रखा है, तो अब करेंगे चेंज। और मैंने ना आज अपनी बहन को नहीं जाने दिए, तो वो रुक गई है इधर देख रही है, के बीच में पिस रही है। वही तो, और इसकी शैतानियां बंद नहीं हो रही, मारना नहीं, गंदी बात है, आप अच्छे हो ना दीदी, बंद कर। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप वीडियो में, काम बहुत सारा है, तो आपके साथ आगे मिलते हैं अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही थी चाय, और साथ ही में मैंने ना ये पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और इसकी हालत आपको आगे देखने को मिलेगी कि क्या थी और क्या हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी चाय पियेंगे।
सब लोग बैठ के, और पीछे जो इतने सारे कपड़े डले हैं उसको आप इग्नोर करना, इनको सबको बैठ के भी घड़ी करना है। और चाय बनी नहीं कि इसको बिस्किट खानी है, जबकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी दूध निकाल के रखा है। ये मैंने दूध और ये हमारी चाय बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये चाय हम लोगों की, और ये डुगू के लिए मैंने दूध अभी बॉईल किया तो ठंडा किया है, तो पिएगा डुगू। क्या बोल रहे हो, क्या बोले हो मम्मी को कि प्यार नहीं करती? दूध पियो, प्यार करते हैं, फटाफट फिनिश करो, गिरना नहीं चाहिए ग्लास। हाँ पियो, दूध पियो फटाफट, कहता है प्यार नहीं करती, पियो। मैं प्यार करती हूँ ना, मैं करवाती हूँ, बहुत ज्यादा वो हो गए हो ना, शैतानी बहुत करने लगे हो। पहले दूध पियो फटाफट, पूरा फिनिश करो, फिनिश करो दूध। नौटंकी, बस जब देखो जब नौटंकी। पिला दो आप। मौसी नहीं पिलाएगी, खुद से पियो। पिलाएगी, पिलाएगी यार। इधर नहीं देखो, अपना दूध पियो। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आए थे तो सब्जियां लेके आए थे शाम को, तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी। ये आधी सब्जियां मैंने ना घर पे भी ले ली थी, मतलब यहीं मोहल्ले में बिकने आई थी सब्जी, तो मैंने ले लिया था और हस्बैंड ने भी ला दिया था। तो बहुत सारे आलू, जैसे आलू हस्बैंड भी ला दिए थे और मैंने भी ले लिया था, तो बहुत सारी सब्जी हो गई थी। तो वही मैं अपनी सिस्टर से यहाँ पर बता रही थी कि मैंने भी सब्जियाँ ले ली हैं और जीजा जी भी सब्जी ले आए हैं। कल मकर संक्रांति है, वहाँ फेंक क्या हो ना, इधर क्यों फेंकोगे, बना ले। हम बना रहे हैं पास्ता भैया, ये बॉइल होने वाली, इसकी शक्ल पता नहीं कैसी होगी, सिर्फ हम चाय पीने के लिए चले, ऐसा था ये और इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। और मैंने नहीं, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको बनाऊँ कैसे, इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि बनाऊँ कैसे, और सिर्फ मैंने इसको बॉइल कर दिया और उसकी हालत ये हो गई। अब देखते हैं ये बनता कैसे है, बनने के बाद बताते हैं। भैया अब जो भी बना, जैसा बना बन गया है, फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया है, ये कि पूरा मैश हो चुका है। ये मैक्रोनी मेरे ख्याल से आटा का है, क्यों नहीं आटा का है, हाँ शायद आटा का, आटा का, इस वजह से बहुत जल्दी बॉईल हो गया था और बहुत जल्दी मैश भी हो गया। तो बताओ भाई कैसा बना है? अच्छा बना, अच्छा है, टेस्टी है भाई, टेस्ट से मतलब है ना, बाकी शकल अच्छी हो जाए ना हो, है ना, शकल सुंदर पास्ता की जगह वो पूरा दाल चावल जैसा मैश हो गया, नहीं हो गया पूरा मैश हो गया, आटे का था ना इस वजह से। टेस्ट अच्छा भैया, देख लो मतलब देख कर लो, जिसको खाना है तो आके खा लो, है डुगो आओ खाओगे नहीं खाओगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे खाने के बाद, खाने के बाद। और उसके बाद फ्रेंड्स ये है रात का खाना, वैसे तो लाइट चली गई थी तो मैंने खाना ना लेट बनाया था, तो दो घंटे के लिए, डेढ़ या दो घंटे के लिए लाइट चली गई थी, तो रात में मैंने बनाया था मिक्स सब्जी और रोटियां। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हो चुकी है रात, रात की कितनी बज गई है, 12:15 हो गया भाई साहब, और अभी मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ क्योंकि 1-1.5 घंटे के लिए लाइट ही गोल हो गई थी, तो खाना भी फिर मैंने लेट ही बनाया था क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। और क्या बोलते हैं, हस्बैंड बस खाए हैं, रिया बाल कट गए, सब लोग दुख है तो सब लोगों ने, मैंने तो खाया ही नहीं है क्योंकि भूख ही नहीं थी। तो ठीक है, इस वीडियो को ना हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैंने अभी आधे कपड़े घड़ी किए हैं और आधे अभी बाकी हैं, तो मैं ये कपड़े घड़ी कर लेती हूँ और
जो ये वाला वीडियो है इसको मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल संक्रांति मनाएंगे, जो मकर संक्रांति है। कई लोगों ने आज मना ली है, 14 तारीख है। तो ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। कल का वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।